हाँ, तो मैं बता रही थी कि इनके आगे नर या मादा जोड़ते हैं। उल्लू हो गया तो नर उल्लू और मादा उल्लू। नर उल्लू मतलब पुल्लिंग हो गया और मादा उल्लू मतलब क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। मछली नर मछली मादा मछली। नर मछली मछली मतलब पुल्लिंग हो गया और मादा मछली मतलब स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है ना, इस तरह इन शब्दों का लिंग हम जानेंगे, जो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुलिंग है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं लिंग प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों में होता है। प्राणीवाचक मतलब जो सजीव वस्तुएं हैं वो, और अप्राणीवाचक जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो। तो कुछ शब्दों का लिंग हमें पता चलता है, लेकिन कुछ शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने के बारे बाद में हमें उसके लिंग के बारे में पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है अथवा पुलिंग है। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे घोड़ा, घोड़ा का आपका स्त्रीलिंग होगा घोड़ी, मोर मोरनी, चीरा चिड़िया, चूहा चूहिया, ऊंट ऊटनी, बैल गाय, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भतीजा भतीजी, दादा दादी, सिंह सिंहनी सिंह सेनी, बिलाव बिल्ली, सांप सापिन, मौसा मौसी, छात्र छात्रा, विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, लेखक लेखिका। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे कि कुछ वस्तु और भाव तथा स्थान के नाम में भी लिंग होता है। जैसे आप पुल्लिंग रूप में देखेंगे दूध, पेन, पंखा, टेलीविजन, टेलीफोन, गुस्सा, पहाड़, भारत, कनाडा, चीन, पेड़, आम, सुख, फूल, कंप्यूटर, तालाब, समुद्र, पलंग, सुख दुख आदि, ये पुलिंग है। ठीक है ना, कुछ जो स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे पेंसिल, रबर, चाय, कुर्सी, खिचड़ी, सुंदरता, खुशी, सर्दी, गर्मी, कक्षा, दिल्ली, नदी, मेज, चिट्ठी, ये सारे क्या कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग है। अब हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। वाक्य में आई क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान की जाती है। क्रिया, अब आप ये जानिए कि क्रिया क्या है। जिस शब्द से किसी काम के करने का बोध हो, किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया क्रि धातु से बना है जिसका अर्थ होता है करना। ठीक है ना, तो वाक्य में आई क्रिया शब्द से भी लिंग की पहचान होती है। जैसे अमन खेल रहा है, ठीक है ना, राधा पढ़ रही है, तो यहाँ पे खेल रहा है और यहाँ पे पढ़ रही है। रहा है तो ये हो गया आपका पुलिंग, और रही है तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। तो क्रिया शब्दों के द्वारा जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो उससे लिंग की भी पहचान होती है। जैसे मैंने दूध पिया, ठीक है ना, मैंने दूध पिया मतलब ये हो गया आपका पुलिंग। मैंने चाय पी तो यहाँ पे चाय क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। मैंने चाय पी, चाय क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। फिर नदियों